बादशाहपुर विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय राकेश दौलताबाद पिछले 5 सालों में अपनी जनता के बीच नहीं गए। क्या वो अपनी जनता के किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे? बहुत से लोगों की ये नाराजगी है, लेकिन आज राकेश दौलताबाद की पत्नी कुमुदिनी राकेश दौलताबाद ने इसकी वजह भी बताई है और उसके लिए माफी भी मांगी है कि आखिरकार राकेश दौलताबाद किस कारणवश उनकी जनता के बीच नहीं पहुंच पाए। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि आज कैसे कुमुदिनी राकेश दौलताबाद को एक शहीद की मां ने जीत का आशीर्वाद दिया है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी अपनी जनता के बीच जा रहे हैं। बादशाहपुर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार कुमुदिनी राकेश दौलताबाद ने आज गुरुग्राम के ढाणा गांव में अपना चुनाव प्रचार अभियान किया और इस दौरान वहां पर कुमुदिनी राकेश दौलताबाद को शहीद संदीप कुमार की मां ने जीत का आशीर्वाद दिया। जब कुमुदिनी राकेश दौलताबाद इस गांव में पहुंची तो उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई और यहां की महिलाओं ने कुमुदिनी राकेश दौलताबाद को इतना प्यार दिया कि फूलों की मालाओं से उनको ढक दिया गया। कुमुदिनी राकेश दौलताबाद ने यहां सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। इसके अलावा ढाणा गांव के शहीद संदीप कुमार की मां ने आज कुमुदिनी राकेश दौलताबाद को जीत का आशीर्वाद दे दिया। इस सभा में कुमुदिनी ने जनता से एक ही बात सामने रखी और वो ये कि राकेश दौलताबाद पिछले 5 सालों में अपने जनता के बीच नहीं जा पाए, उसकी एक मुख्य वजह भी है। कुमुदिनी ने अपने भाषण में बताया कि राकेश दौलताबाद ने पिछले 5 सालों में अपने बच्चों के जन्मदिन नहीं मनाए, अपनी पत्नी का जन्मदिन नहीं मनाया, क्योंकि वो जनता के कार्य करने में जुटे रहे। वो पिछले 5 साल ऐसे विकास कार्यों में लगे रहे जिसको पिछले कई सालों से कोई विधायक नहीं करा पाया। कुमुदिनी राकेश दौलताबाद ने कहा है कि अगर राकेश पब्लिक के कार्यक्रम में पहुंचता रहता, जनता के पास जाता रहता, तो शायद वो विकास के कार्य कोई नहीं करा पाता। हालांकि कुमुदिनी राकेश दौलताबाद ने यह भी कहा है कि वो समझती है कि जनता की ये शिकायत भी है कि राकेश पिछले 5 सालों में जनता के बीच नहीं गए, लेकिन कुमुदिनी ने कहा कि जब वो अपने बच्चों का जन्मदिन भूल गए, अपनी पत्नी का जन्मदिन भूल गए, अपने घर के कार्यक्रम भूल के वो विकास कार्यों में जुटे रहे जनता के लिए, तो कुमुदिनी किससे शिकायत करे। इसके लिए कुमुदिनी ने माफी भी मांगी है और ये कहा है कि राकेश दौलताबाद को राजनीति नहीं आती थी, उनको कार्यनीति आती थी और उसी कार्यनीति पर अब राकेश का परिवार आगे बढ़ रहा है और जिस तरह कड़ी मेहनत से राकेश दौलताबाद ने बादशाहपुर विधानसभा में विकास कार्य कराए, उसी तरह अब कुमुदिनी भी विकास कार्यों में जुटी रहेगी और इस कार्यनीति को जारी रखेगी। और मैं आशा करती हूँ कि जो आपने आशीर्वाद और सहयोग अपने बेटे अपने भाई पर बना के रखा था वो भी मुझ पे मिलेगा और आपका सहयोग और आशीर्वाद मुझ पे बना रहेगा। और मैं एक बात और बताऊंगी कि मुझे बहुत जगह मेरे परिवार ये शिकायत करते हैं कि राकेश जी तो कभी 5 साल में वापस मुड़ के देखा ही नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को इतना बताऊंगी कि 2 साल कोरोना में चले गए थे, फिर उसके बाद उनका छोटा भाई का देहांत हो गया था और 2.5 साल में आपके बेटे ने इतना काम कराए थे कि वो पिछले 5 सालों में किसी ने नहीं कराए थे। और वो लोग आप राकेश जी आपको अपना परिवार मानते थे, अगर वो परिवार के जन्मदिन ब्याह शादियों में ही आपके पास रहते तो ये जो इतने बड़े बड़े काम कराए थे, जो 1500 किसान आज खुश हैं जिनकी जमीन डूबी हुई थी, तो वो आज खुश कैसे होते। उन्होंने तो अपने जन्मदिन बच्चों के जन्मदिन अपने घर में मेरे लिए भी नहीं मनाए थे, तो आप ये बताओ कि ये शिकायत अब मैं किससे करूं। तो मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ कि अगर वो यहाँ नहीं आए तो वो किसी कारण से नहीं आए, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े काम करा रहे थे। और मैं अब आपसे आशा करती हूँ कि आप अपने गांव गुहान रिश्तेदारियों में ज्यादा से ज्यादा अपना प्रचार करें, क्योंकि ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ रही, आप लोग लड़ रहे हैं। तो 5 तारीख को 8 नंबर पे बाल्टी को आपने ज्यादा से ज्यादा बढ़वाना है। पूर्व विधायक स्वर्गीय राकेश दौलताबाद के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अब कुमुदिनी के साथ उनका बेटा मिलिंद दौलताबाद भी जुट गया है और जनता के बीच जाकर वो भी अपने पापा के द्वारा कराए गए विकास कार्यों का बखान कर रहे हैं। हमें प्यार दिख रहा है, ये उनने अपने काम से आपसे जो दिल से दिल जोड़ा है ये उनने कमाया और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सबका।
हम इस राजनीतिक दौड़ में जो आगे चल चुके हैं, मेरे पापा भी हमेशा यही कहते थे कि राजनीति उन्हें करनी नहीं आती और ना हमें करनी आती है, हमें सिर्फ कार्य नीति करनी आती है। कामों पे पापा वोट मांगे थे, काम वो करके दिखाएं, और आज उन्हीं के कामों की बदौलत हम यहाँ पे आपके बीच में खड़े हैं। जब ये इलेक्शन का निर्णय लिया गया था तो मैंने एक दिन सोचा था कि मेरा लक्ष्य क्या है, ये इलेक्शन हम जो लड़ रहे हैं, तो उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि इलेक्शन मैं इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि जो हम सब हमारा सारा जो परिवार है वो एकजुट रहे, हमारे परिवार के काम ना रुके और मेरे पापा का नाम हमेशा अमर रहे, इसलिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। मेरे सारे दादा यहाँ पे जो मौजूद हैं और मेरी दादियां भी बहुत संख्या में मौजूद है, चाची, ताई, ताऊ, चाचा, आप सब के बिना ये इलेक्शन लड़ना असंभव है। पर ये जो बंद हो गया, हेलो, पर ये जो प्यार आप सबने दिलाया जिसकी बदौलत पे आज हम पहले नंबर पे चल रहे हैं इस विधानसभा में, सबसे ज्यादा मजबूती के साथ हम चल रहे हैं क्योंकि आप सबका परिवार हमारे साथ है। और अगर आप 5 तारीख को भी ये प्यार हमारे साथ रखते हो तो चंडीगढ़ हमें जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये मैं आपको वादा करता हूं। पूर्व विधायक स्वर्गीय राकेश दौलताबाद का परिवार अपनी कार्यनीति पर चुनावी मैदान में है और चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार के दौरान वो राकेश दौलताबाद द्वारा बादशाहपुर विधानसभा में कराए गए विकास कार्यों को लेकर जा रहे हैं और उसी पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन देखना होगा जनता अपना विधायक किसे चुनती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।